जैसे ही हमने पढ़ाई की बात शुरू करी वैसे ही अपने कहा अच्छा पढ़ना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। चलिए हम लोग आज ज्यूरिस में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एंड अगेन आई डोंट थिंक ये एक्ट भी एक नया एक्ट है, सुना है ना इसके बारे में पहले। साइबर लॉज क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड साइबर? अच्छा, साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर का मतलब ही होता है एनीथिंग रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके जो फ्रॉड किए जाते हैं वो साइबर क्राइम्स होते हैं। देखिए पहले के टाइम पे क्या था, जितने भी हम लोग जैसे, अच्छा वो कौन सा एक्ट है जिसमें सारी सजाएं दी गई हैं? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ओके, आईपीसी बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई क्राइम करता है, कोई गलत काम करता है, ठीक है, देन इन दैट केस उसको सजा होती है। ओके, लेकिन कहीं पर भी आईपीसी में ये नहीं लिखा था कि अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली कोई फ्रॉड कर रहा है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा या उसको हम लोग कैसी सजा देंगे। यानी किसी भी एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का मेंशन नहीं था। जैसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि कंपनीज एक्ट के अंडर भी हम लोग जो फॉर्म फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं। लेकिन पहले ये सब कुछ किस फॉर्म में हुआ करता था? मैनुअल फॉर्म में। प्रॉब्लम एक अराइज ये होने लगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस थे उनकी लीगल वैलिडिटी नहीं थी। लीगल वैलिडिटी का मतलब किसी लॉ में उनका जिक्र ही नहीं था, और अगर किसी लॉ में उनका मेंशन नहीं था देन इन दैट केस क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन या इलेक्ट्रॉनिकली किया गया फ्रॉड पनिशेबल होता होगा? नो भाई, अगर मान लीजिए आईपीसी में लिखा हुआ है कि किसी पर्सन ने अगर कोई बैंक लूटा है तो ये सजा होगी। बैंक लूटने का, रॉबरी करने का मेथड क्या हुआ, पर्पस मतलब कैसे हुआ? आप बैंक जाएंगे और वहां जाके सामान चुराएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, बैंक की वेबसाइट हैक करके या उसके अकाउंट्स को हैक करके चोरी कर ली है तो इन ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी एक्ट में कोई मेंशन नहीं था। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का कहीं मेंशन नहीं था इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी वैलिडिटी नहीं दी जाती थी। इसलिए ये सोचा गया कि एक एक्ट बनाया जाए जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को वैलिडिटी दे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को वैलिडिटी देने के लिए कौन सा लॉ बनाया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जब ये एक्ट आया, इस एक्ट ने लीगल रिकॉग्निशन दी सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की। यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन वैलिड माने जाएंगे, ऐसा इस एक्ट ने कहा। और इस एक्ट के आने के बाद बहुत सारे एक्ट में अमेंडमेंट लाई गई, और जहां जहां पर भी मैनुअल लिखा था वहां पर मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में लिखा था कि जो भी रिटर्न फाइल करने हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं देवर फाइल्ड इन मैनुअल फॉर्म। अब देखो वहां पर सब जगह क्या हो गया, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक। और धीरे धीरे जैसे हम लोग एडवांस कर रहे हैं, मैनुअल तो धीरे से हट ही गया है। अब देखिए ज्यादातर फॉर्म्स किस फॉर्म में ही सबमिट होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया है इसलिए बहुत सारे लॉज हैं जिनको लीगल वैलिडिटी दे दी गई और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को वैलिडिटी दे दी गई। व्हाट इज ई कॉमर्स? ओके, ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वेरी गुड, आगे हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। जो हम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, आजकल आप देखते हैं मैक्सिमम जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में अगर मान लीजिए हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं था तब तक हम उस चीज की कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन फिजिकल नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक था। लेकिन जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया है इन ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस को भी वैलिडिटी मिल गई है। इनफैक्ट अब कोर्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रेजेंट किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस समझ गए, पहले कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को वैलिडिटी नहीं देता था। मेल के फॉर्म में अगर मान लीजिए कोई एविडेंस है या इलेक्ट्रॉनिकली कोई एविडेंस प्रेजेंट किया जाता है तो कोर्ट उसको पहले नहीं मानता था, लेकिन जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया है तब से सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लीगल वैलिडिटी दे दी गई, ठीक है।
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं इनको हम लोग साइन कैसे करते हैं? हैव यू हर्ड डिजिटल सिग्नेचर? देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, अब जो हम बोल रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, जितने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे हैव टू बी साइंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है? यानी ये एक्ट कहता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू साइन करना है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक मेथोडोलॉजी है जिसमें हम लोग सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं। इसमें कोई भी मेथोडोलॉजी यूज हो सकती है, करेंटली हमारी कंट्री में डिजिटल सिग्नेचर मेथोडोलॉजी यूज होती है। मतलब हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर इज वन एंड द सेम थिंग। जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शब्द बोलते हैं तो आप कहते हो डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। बट एक्ट में क्या लिखा है समझो, एक्ट कहता है, एक्ट ने ये नहीं कहा डिजिटल सिग्नेचर यूज करो, एक्ट ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए, साइन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज करो। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए फिलहाल हमारी कंट्री में जो सिस्टम यूज होता है वो डिजिटल सिग्नेचर है। अगर आगे के जमाने में कोई नई टेक्नोलॉजी यूज होती है जो मान लो और सिंपल है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो लेकिन उसका फॉर्मेट कुछ और हो, उसका तरीका कुछ और हो, तो हो सकता है हम डिजिटल सिग्नेचर की जगह वो मेथडोलॉजी यूज करने लग जाए। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं दे हैव टू बी साइंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और फिलहाल हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वो क्या है, डिजिटल सिग्नेचर। ये डिफरेंट लाइन समझ में आ गई ना? चलो इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ये बताएंगे, आप डायरेक्टली आइए सेकेंड पैराग्राफ से, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय रेजोल्यूशन डेटेड 30th January has adopted the model law on electronic commerce adopted by United Nations Commission on International Trade। कह रहे e-commerce की activities इतनी बढ़ रही थी कि world over ये सोचा गया कि इसके लिए electronic documents के लिए, electronic commerce के लिए एक law होना भी जरूरी है। हमारी Indian government ने भी इसी चीज को सोचते हुए देखिए कौन सा act pass करा, Information Technology Act। With the changing needs and requirement of information technology and communication, the IT Act 2000 has been substantially amended. कह रहे हैं time to time इसमें amendment भी हुआ, 2008 में भी amendment हुआ, तो और उसी का ही assent मिल गया 2009। अब important mark करो, the Information Technology Act was enacted to make in the main three kinds of provisions। ये एक तरह से पहले question की तरह mark कर लीजिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जरा देखिए, अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूजुअली रेफर टू एज ई कॉमर्स। यानी जितने भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए ये एक्ट बनाया गया। आई होप नो प्रॉब्लम, ठीक है? लीगल रिकॉग्निशन। सेकंड, इट फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द गवर्नमेंट। इस एक्ट के आने के बाद हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के पास। इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट के पास अब हम रिटर्न फाइल करते हैं या डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं वो सब के सब किस फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। और ऐसा कब हुआ, जब ये एक्ट बना। एंड थर्ड, देखिए ये थर्ड भी हमने आपको बताया था, जितने भी एक्ट थे जहां पर भी मैनुअल लिखा हुआ था, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन की बात कही थी, उन सारे एक्ट में भी अमेंडमेंट आई और उन सारे एक्ट में मैनुअल के साथ साथ एक और वर्ड कौन सा जोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक। इट अमेंड्स द इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, रिजर्व बैंक एक्ट, सो एज टू ब्रिंग इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन विद इन द परव्यू ऑफ रिस्पेक्टिव इनएक्टेड। तो देखा जाए तो इस एक्ट के तीन मेन ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या ई कॉमर्स को लीगल रिकॉग्निशन दी। सेकेंड, इसने फैसिलिटेट किया कि हम गवर्नमेंट के पास जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करें वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो। और इसने बाकी सारे एक्ट को अमेंड किया और जहां जहां मैनुअल था उन सब जगह मैनुअल के साथ साथ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एक तरह से टॉपिक या क्वेश्चन देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस टू विच
द एक्ट शैल नॉट अप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट. कह रहे हैं वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता. एक्ट अप्लाई नहीं होता का क्या मतलब हुआ, वो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, नहीं हो सकते. अच्छा, जैसे हम लोग ने सुना है, आपने देखा होगा, लोग रजिस्ट्री कराते हैं प्रॉपर्टी की. हम लोगों ने एक एक्ट भी पढ़ा है इसका, ठीक है. तो ये रजिस्ट्री आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो जाए. आप देखिए कहीं पर भी कितनी भी रजिस्ट्री आपने देखी हो, इसके लिए जो बायर एंड सेलर है दे हैव टू गो टू द कोर्ट. उनको कोर्ट जाना ही पड़ता है और वहां जाके रजिस्ट्रार के सामने उनको रजिस्ट्री करानी होती है. इसका मतलब अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज कर रहे हैं तो क्या ये ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो सकता है? नो. अभी भी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर ये ऐसे ही रहेंगे. हो सकता है आने वाले समय में रजिस्ट्री भी ऑनलाइन हो जाए कि भाई बायर और सेलर और रजिस्ट्रार तीनों लोग मिल गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी चीज के थ्रू और वहां पे रजिस्ट्री हो गई, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं. तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स, वो ट्रांजैक्शन जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता. सबसे पहला पॉइंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सुना है ये शब्द पहले? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफरेबल. वो इंस्ट्रूमेंट्स जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो सकते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट बिल्स रिसीवेबल? सुना है. हैव यू हर्ड अबाउट प्रोमिसरी नोट्स? बिल्स रिसीवेबल प्रोमिसरी नोट क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमने एक पेपर में लिख दिया आई प्रोमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख. ये क्या है? एक तरीके का प्रोमिसरी नोट. और इस नोट के थ्रू ये नोट हमने लिख के आपको दे दिया, ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एक ऑब्लिगेशन है कि हमें आपको इतना रुपया देना है. तो ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कह रहे हैं ये अभी तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं हुए. यानी इनको अगर हमें आपको बिल रिसीवेबल देना है, प्रॉमिसरी नोट देना है, तो हम अभी भी कैसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे? फिजिकल डॉक्यूमेंट. लेकिन उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, वैसे एक एक्ट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है. ओके, बिल्स, ठीक है. सेकेंड इज चेक एंड प्रॉमिसरी नोट. ओके, यहां पर इन्होंने किसको एक्सक्लूड कर दिया है? अदर देन चेक. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं या प्रॉमिसरी नोट होते हैं वो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं हो सकते. इनके ऊपर आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है बताइए? पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? जिसके थ्रू हम किसी पर्सन को कुछ काम करने के लिए ऑथराइज करते हैं. तो इस लाइन को सिर्फ पढ़ के बताओ कि अगर हमको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो सकती है? नो, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. इसी तरह से ट्रस्ट, ट्रस्ट डीड बनती है. ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट में कितनी पार्टीज होती है? तीन. जिसने ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी जिसके लिए बनाया गया है, और इन तीनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है. इस अग्रीमेंट को क्या कहते हैं? ट्रस्ट डीड. ये ट्रस्ट डीड जो है ये भी किस फॉर्म में होनी चाहिए? मैनुअल फॉर्म में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकती. इनके ऊपर भी आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. मतलब इसका मतलब समझो, अगर मान लो किसी ने ट्रस्ट डीड इलेक्ट्रॉनिक बना ली, ठीक है, अब इस ट्रस्ट डीड पे अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो क्या एक्शन लिया जा सकता है? नहीं. ये मतलब हुआ इसका, ठीक है. मान लीजिए ये कह रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, हमने एक इलेक्ट्रॉनिक पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली, हमने एक पेपर पे मतलब टाइप कर दिया डॉक्यूमेंट और साइन कर लिया, ठीक है, और आपको भेज दिया. हम लोग ने अपनी आपसी सहमति के लिए तो बना लिया, लेकिन अगर इस पावर ऑफ अटॉर्नी पे कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इस डॉक्यूमेंट को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इसको रिकॉग्निशन नहीं देता. कितने पॉइंट्स कर लिए अभी तक? पहला क्या था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड, पावर ऑफ अटॉर्नी. थर्ड, ट्रस्ट. फोर्थ क्या है? देखो, अरे पहला ही शब्द लिखा है विल. विल, ट्रस्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, इन सब के ऊपर, ठीक है, विल भी इसका मतलब किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? मैनुअल फॉर्मेट में होनी चाहिए. और फिफ्थ देखो क्या है? एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी. यानी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर हम कोई अधिकार ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल या परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए भी मैनुअल होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा.
तो ये पांच ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर आईटी एक्ट नहीं लगता। फर्स्ट बताओ कौन सा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड पावर ऑफ अटॉर्नी, थर्ड ट्रस्ट, फोर्थ विल एंड फिफ्थ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल डील। ओके नाउ डेफिनेशंस ऑफ बेसिक एक्सप्रेशन। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, सबसे पहली डेफिनेशन है एक्सेस की। क्या मतलब हुआ अगर हम आपसे कहें कि हम आपका फोन एक्सेस करना चाह रहे हैं, बताइए। जैसे ही हमने आपको बोला हम आपका फोन एक्सेस करना चाह रहे हैं, पहले तो आपको डर लगा, और अगर आपको डर लगा तो आप ये समझ गए कि एक्सेस का मतलब क्या है, गेनिंग एंट्री इनटू। इसका मतलब ये नहीं हम आपके फोन के अंदर ही चले जाएंगे, गेनिंग एंट्री इनटू का मतलब ये हुआ कि हम अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर के डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्सेस। एक्सेस विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कोग्नेट एक्सप्रेशन मींस गेनिंग एंट्री इनटू इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद लॉजिकल अरिथमेटिकल मेमोरी फंक्शन रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसे अगर मान लो हम वर्ड बोले अनऑथराइज्ड एक्सेस, कई बार आप देखिए आप लोग सिस्टम चलाते हैं और कहीं लिख के आता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसका मतलब आपका वहां जाना अलाउड है कि नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है, यू कैन नॉट एंटर इनटू दैट सिस्टम। ओके अब आता है अड्रेसी। अड्रेसी को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं वो थ्री वे कम्युनिकेशन, थ्री वे मतलब तीन लोग होते हैं उसमें। हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं मतलब आपने अगर अपने किसी फ्रेंड को एक मैसेज भेजा तो आपको ऐसा लगता है कि आपने भेजा और उसने सीधे पढ़ लिया, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप दोनों के अलावा एक तीसरा बंदा भी है बीच में। और आप कह रहे हैं ये नहीं पता था हमने तो क्या क्या भेज दिया। अच्छा ये बताओ जो मैसेज भेज रहा है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ओरिजिनेटर, ठीक है सेंडर इज ओके, यहां पर हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं ओरिजिनेटर। इस हिसाब से बताओ अड्रेसी कौन हुए जिसके एड्रेस या जिसको भेज रहे हैं, यानी ओरिजिनेटर वो है जिसने मैसेज क्रिएट किया है और अड्रेसी वो है जिसको मैसेज भेजा जा रहा है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि हमने मैसेज भेजा, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मैसेज भेज रहे हैं मिस्टर बी को, तो आपको लगता है ये मैसेज ऐसे पहुंचा, जबकि ये मैसेज ऐसे नहीं पहुंचता है, मैसेज ऐसे पहुंचता है। ऊपर कौन है, ऊपर वाला ये होते हैं नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स या वो कनेक्शंस या सैटेलाइट्स जिसके थ्रू आपका मैसेज जो है वो कम्युनिकेट हो रहा है। बस ये होता इतनी फास्ट है कि आपने यहाँ से मैसेज भेजा और वहां पे उसके फोन की बेल बज गई, जबकि जितने भी मैसेज होते हैं ये इस इंटरमीडियरी के थ्रू होते हैं। जो मैसेज बना रहा है वो कौन हो गया ओरिजिनेटर, जिसको भेज रहे हैं वो कौन होता है अड्रेसी, और ये जो ऊपर वाला बैठा है ये कौन होता है इंटरमीडियरी, ये वो आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है जिसका कनेक्शन आप यूज कर रहे हो। और जो भी मैसेज आप भेजते हो वो ए ने भेजा, सबसे पहले वो इंटरमीडियरी के पास जाएगा और फिर वो फॉरवर्ड होगा किसको अड्रेसी। और इंटरमीडियरी की डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा भी हुआ है कि ये इंटरमीडियरी आपके मैसेज को देखता है पढ़ता है। हम रिपीट करेंगे, तुम्हारी बात इतनी अच्छी है सबको सुननी चाहिए। इनके हिसाब से वो इंटरमीडियरी हमारा मैसेज इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि हमारे मैसेज इतने बड़े बड़े होते हैं। इंटरमीडियरी अच्छा कई बार आपने ऐसा सुना है जैसे कभी जब ऐसे दंगा वंगा की सिचुएशन होती है तो मैसेजेस रोक दिए जाते हैं, ये आपने सुना है कि मैसेज रोक दिए जाते हैं, आप मैसेज आप भेजते हो वो डिलीवर नहीं होता है, ऐसी सर्विसेज रोक दी जाती है। तो आप खुद सोचो अगर ए का मैसेज डायरेक्टली बी को जा रहा होता तो ये पॉसिबल कैसे होता, ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये सिस्टम क्या है ओरिजिनेटर इंटरमीडियरी एंड देन द एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस ये जो इंटरमीडियरी होता है ये वही होता है जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं सैटेलाइट्स हैं जिनके थ्रू आपका मैसेज कम्युनिकेट होता है, ठीक है। तो ये तीन पार्टीज हैं, तो अब से आप सोच समझ के मैसेज भेजेंगे। आप कह रहे हैं चाहे जो सुन रहा हूं हमें तो जो भेजना है हम वही भेजेंगे चलो अगली डेफिनेशन हम लोग को जो दिख रही है वो किसकी है एड्रेसी की, ठीक है। तो आपको नहीं लगता सबसे पहले इनको ओरिजिनेटर की डेफिनेशन बतानी चाहिए,
फिर एड्रेसी की, ऐसे बीच में पहले एड्रेसी की क्यों बताई? कुछ बच्चे सोच लगे, हाँ बात तो सही कह रही है मैम, एड्रेसी की कैसे आ गई? कुछ नहीं है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी है डेफिनेशंस। किसी भी एक्ट में जो डेफिनेशंस होती है, देखो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन दिस इज वेरी कॉमन। किसी भी एक्ट में आपको पता है सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, और वो डेफिनेशंस हमेशा किस ऑर्डर में होंगी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। इसलिए उन्होंने पहले क्या डिफाइन किया है? एड्रेसी। देखो एड्रेसी कौन है? एड्रेसी मीन्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बट डज नॉट इंक्लूड एन इंटरमीडियरी। अच्छा, ये जो कंपनी वाले होते हैं, जिस कंपनी का फोन है, उन्हीं उनको भी मैसेज भेज देते हो, तुम बताओ आज तुम क्या कर रहे हो? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हैं बट डज नॉट इंक्लूड एन इंटरमीडियरी, मतलब कैन एन इंटरमीडियरी भी ऑल्सो बी एन एड्रेसी? आप समझ गए एड्रेसी कौन होगा, ओरिजिनेटर कौन होगा, इंटरमीडियरी कौन है, ये समझ आ गया? ठीक है, तो ये कह रहे हैं पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बट डज नॉट इंक्लूड एन इंटरमीडियरी। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जब से ये पता चला कि इंटरमीडियरी भी है, अब हमारी सोचने समझने की सारी शक्तियां खत्म हो गई। ओके, तो ये बताओ अगर एड्रेसी है तो आपको क्या लगता है इंटरमीडियरी और ओरिजिनेटर की भी डेफिनेशन होगी? ढूंढो जरा, है कहीं, कहां होगी बताओ? ओ पे देखिए आपको ओरिजिनेटर मिला, उसके पहले इंटरमीडियरी भी मिलेगा। हाँ देखो इंटरमीडियरी कौन है? विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मींस एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अनदर रिसीव्स स्टोर्स, ध्यान से देख लो लिखा है, रिसीव्स स्टोर्स और ट्रांसमिट्स दैट रिकॉर्ड और प्रोवाइड्स एनी सर्विस विद रिस्पेक्ट टू दैट रिकॉर्ड एंड इंक्लूड्स। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, देन वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, सर्च इंजन, ऑनलाइन ऑक्शन साइट एक्सेट्रा, जिनके भी थ्रू आप मैसेज सेंड कर रहे हो, वो सब कौन होते हैं? इंटरमीडियरी। और वेरी सिंपल, ओरिजिनेटर देखो कौन होगा? अ पर्सन हु सेंड्स, जेनरेट, स्टोर और ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। इसमें भी लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड एन इंटरमीडियरी। ठीक है, तीन लोग पढ़ लिए हम लोगों ने, कौन कौन? ओरिजिनेटर, इंटरमीडियरी एंड एड्रेसी। अब वापस ऊपर आइए, देखिए सेकेंड डेफिनेशन कौन सी थी एड्रेसी के बाद? अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय अफिक्सिंग? अटैचिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कह रहे हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स किया जाएगा। हमने यही आपको बताया था, डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स करना ठीक है, लेकिन लॉ क्या कहता है, क्या अफिक्स होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए हमारे कंट्री में क्या यूज होता है? डिजिटल सिग्नेचर। तो देखिए, विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन मीन्स अडॉप्शन ऑफ एनी मेथडोलॉजी और प्रोसीजर बाय अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट यानी अप्रूव करने के लिए जिस मेथडोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, तो फिलहाल हमारी कंट्री में किस मेथडोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है? डिजिटल सिग्नेचर। ओके, एपीलेट ट्रिब्यूनल, सुना है? एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास क्या करते हैं हम? अपील्स फाइल करते हैं। मैंने आपको बताया हमेशा दो अथॉरिटीज होती हैं, एडजुडिकेटरी अथॉरिटी एंड एपीलेट अथॉरिटी। जिसके पास हम केस करते हैं एडजुडिकेटरी अथॉरिटी और जिसके पास हम अपील फाइल करते हैं एपीलेट अथॉरिटी। ओके, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, इस डिजिटल सिग्नेचर को बनाने की जो मेथडोलॉजी होती है, इसमें की पेयर होता है, ठीक है। की पेयर मतलब एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। प्राइवेट की और पब्लिक की के कॉम्बिनेशन से बनता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, और इनके इस की पेयर के कॉम्बिनेशन को ही एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कहा जाता है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट अ सिग्नेचर डन ऑन अ पेपर एंड स्कैंड। कई बार लोगों को ये लगता है कि हमने एक पेपर पे साइन किया, उसको स्कैन कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड स्कैन का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर पे ले आए।
यही समझ आया हमको स्कैन का मतलब बताने का। हाँ, तो आपने एक पेपर पे साइन किया, उसके बाद आपने उसको स्कैन कर लिया, अब वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने लगा, इज दैट अ डिजिटल सिग्नेचर? अच्छा, आजकल एक और तरीका शुरू हुआ है, जो कुरियर वाले आते हैं वो आपसे एक स्क्रीन पे साइन कराते हैं। पहले होता था, अब कोविड की वजह से तो थोड़ा बंद है, बट वो क्या करते हैं, वो ऐसे एक अपना वो टैब लेकर आते हैं और रिसीविंग के लिए वो आपसे उस पर साइन कराते हैं। तो आपने उसके टैब पे जो साइन किया, आपने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया। ऐसा बोला तो नहीं आज तक किसी को, आई हैव डिजिटली साइंड दैट कुरियर वाला टैब? ये सब डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली में सिग्नेचर ही नहीं होता है। और कभी ये भी ना बोलना हम डिजिटल सिग्नेचर बनाना सीख रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर इज जस्ट कोड, ठीक है? कोड होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होते हैं, और वो सिर्फ यूज किया जाता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। यू अंडरस्टैंड इनक्रिप्शन? किसी भी लैंग्वेज, हमने कोई चीज इंग्लिश में लिखी है, अगर हम उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो इनक्रिप्ट करने का मतलब हम उसको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए रीडेबल ना हो, और जिसको हमें रीड करवाना है वो इसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, मतलब उस फॉर्मेटेड लैंग्वेज से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। पब्लिक की और प्राइवेट की इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए ही यूज की जाती है। अगेन, पब्लिक की प्राइवेट की कोई चाबियां नहीं है, ये भी कोड है, ठीक है? एक कोड के थ्रू हम मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं और एक कोड के थ्रू हम उस मैसेज को डिक्रिप्ट करते हैं। इन्हीं पब्लिक की और प्राइवेट की के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, और इसी से डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होता है, ठीक है? तो देखो, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या है? इट मींस अ सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। मतलब क्रिएट कर रहे हैं हम कौन सी की यूज करके, प्राइवेट की, और उसको वेरीफाई या यू कैन से डिक्रिप्ट कर रहे हैं हम क्या यूज करके, पब्लिक की, ठीक है? और इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है, इसके लिए पहले एक चीज समझिए। जैसे मान लीजिए जिसको भी डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, पहली चीज तो आपको ये भी सुना होगा, पता होगा, हर कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं ले सकता। अभी हम लोग कंपनी लॉ के अंदर एक एक्ट में भी पढ़ेंगे, डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ वो ले सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी के डायरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अब आप सोच रहे हैं हमारा भी नाम लो जल्दी, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग सीएस। आप खुश? और एक चीज और, ऐसा नहीं कि आपके सीएस बनते ही आपके घर में फ्री में आ जाएगा डिजिटल सिग्नेचर, वो भी लेना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स यू नो सर्टिफाई करने वाले हैं, उनको ही डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा। अब जिसको भी ये डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, वो अप्लाई करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो ऑथराइज्ड लोग हैं जो डिजिटल सिग्नेचर इशू करते हैं। तो अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, तो आप जिस अथॉरिटी से लोगे, उनको कहा जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। और अलग अलग एरियाज में कई सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनाई हुई है। मतलब अगर मान लीजिए मिस्टर ए को चाहिए, मिस्टर बी को चाहिए, सी को चाहिए, डी को चाहिए, तो इन सब के एरियाज में सर्टिफाइंग अथॉरिटी होंगी, या इनके शहर में सर्टिफाइंग अथॉरिटी होंगी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो ऑथराइज्ड लोग हैं जो डिजिटल सिग्नेचर को इशू करते हैं, ठीक है? और इन सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कंट्रोल करता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। इसका मतलब ये हायरार्की हो गई, सबसे ऊपर कौन है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। इस कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने बहुत सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ऑथराइज किया है कि आप लोगों को डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकते हो। तो अगर हम लोगों को डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, तो हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी से लेंगे, और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी सही से काम कर रही है कि नहीं, ये देखने के लिए इनकी टॉप अथॉरिटी कौन होगी, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है? ये क्लियर है? आप देखो बता रहे थे सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, इट मींस अ स्टेटमेंट इशूड बाय, कौन इशू कर रहा है, देखो, सर्टिफाइंग अथॉरिटी स्पेसिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी इंप्लॉइज इन इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो ये कह रहे हैं सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू कर रहा है, जो कि ये बताएगा
कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जब डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है तो उसने कौन कौन से सिस्टम्स यूज करे हैं या कौन सी मेथडोलॉजी यूज करी है। इस पूरी लाइन से जो मेन बात सामने आती है वो ये कि डिजिटल सिग्नेचर इशू कौन कर रहा है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। उस डिजिटल सिग्नेचर को इशू करने के लिए उसने कौन सी मेथडोलॉजी यूज करी है, वो जिस स्टेटमेंट में लिखा जाता है उसको कहते हैं सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। क्योंकि वो इशू सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देखा जाएगा। कौन देखता होगा ये? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ओके, बस आगे की डेफिनेशन देखिए, इजी इजी से है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन डिवाइस, पढ़ो जरा। ठीक है, कर लेंगे। तो देखो कम्युनिकेशन डिवाइस पढ़ लीजिएगा, आई होप कंप्यूटर पढ़ लेंगे आप। ठीक है, दिक्कत तो नहीं होगी इसकी डेफिनेशन में? अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब पढ़ लेंगे। इजी इजी सी डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। साइबर कैफे, ये क्या होता है? साइबर कैफे सुना है कभी? जिसको आप कैफे बोलते हो, इंटरनेट कैफे। अच्छा, इंटरनेट कैफे सुना है? सुना है, गए हैं ना सब लोग? अब तो आपको फोन इतना इजीली अवेलेबल है। कुछ ही साल पहले हम लोग के टाइम पे ये फोन्स पे नेटवर्क नहीं होता था, तो इंटरनेट कैफे का बिजनेस बहुत अच्छा था। बहुत सारे इंटरनेट कैफे होते थे और वहाँ पर बहुत चार्जेस ऐसे जैसे 15 रुपए में 1 आवर या ऐसे करके आपको इंटरनेट चलाने को मिलता था। तो एट दैट टाइम आई डोंट नो, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, जैसे फेसबुक है ना, वैसे पहले ऑर्कुट हुआ करता था। आई एम श्योर किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। हम आज से 50 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, इतनी उम्र नहीं हो गई हमारी जिस हिसाब से आपने देखा। अच्छा, इतने साल का हमको पता हो। तो ये अभी कुछ ही टाइम पहले की बात बता रहे हैं। तो देयर यूज्ड टू बी ऑर्कुट, बिल्कुल वैसे ही था जैसे फेसबुक था। तो जब ऑर्कुट, वी यूज्ड टू यूज ऑर्कुट एंड देन फेसबुक आया था, तो वैसे ना कोई नई चीज आई, बड़े बड़े लोग जैसे आजकल इंस्टा, खैर आप लोग के लिए तो इंस्टा भी पुराना हो गया है ना, कि अच्छा इंस्टा पे हो कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे था, तो उसके लिए इंटरनेट कैफे भी यूज टू गो और 10 रुपये या 15 रुपये पर आर के हिसाब से दे यूज टू चार्ज। तो इनफैक्ट जैसे ऑनलाइन गेम भी खेलना होता है या कुछ करना होता था, तो वी यूज टू गो टू द इंटरनेट कैफे। अब आपको लग रहा है अच्छा गेम भी खेलती थी आप कैफे जाके, अपने मतलब की बात तुरंत ढूंढ लेते हो, हम बता कुछ और भी रहे हैं, छोड़ो नहीं बताएंगे। साइबर कैफे, साइबर कैफे देखिए, साइबर कैफे मींस एनी फैसिलिटी फ्रॉम वेयर एक्सेस टू द इंटरनेट इज ऑफर्ड बाय एनी पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी देखो, इट मींस प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर, कंप्यूटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयरिन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, यूज, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रक्शन। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग अपने डेटा को सिक्योर कर रहे हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से, हैकिंग से, तो उसको क्या कहा जाता है? साइबर सिक्योरिटी। अगेन डेफिनेशन देखो किसकी है, डिजिटल सिग्नेचर, इट मींस ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। बताओ कौन सा सिस्टम यूज होता है डिजिटल सिग्नेचर में? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। और एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू की पेयर, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी रीड कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये सब वैसे ही हैं डेफिनेशंस। अच्छा, इंटरमीडियरी के बाद देखो की पेयर लिखा है, मिला? देखो वही है ये। की पेयर इन एन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मींस अ प्राइवेट की एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की। ऑब्वियसली जब एक से इंक्रिप्शन हो रहा है और एक से डिक्रिप्शन हो रहा है, तो आपको नहीं लगता वो प्राइवेट की और पब्लिक की रिलेटेड होनी चाहिए? मतलब अगर हम एक की यूज करके इंक्रिप्ट कर रहे हैं, तो हमने जो आपको की दी है उसी से ही उसका डिक्रिप्शन हो सकता है, इसलिए इनको कहा जाता है मैथमेटिकली रिलेटेड। ओके, हाँ बेटा, किसके ऊपर बेटा, कहाँ पर? अच्छा, ये डेफिनेशन जो दी है। हाँ हाँ, ओके।
अभी हमने आपको एक चीज समझाई थी, एक डाउट आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर। अगेन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही होता है, बस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने के लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर है, दोनों एक ही चीज। इसीलिए हमने बोला था इस लाइन को ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में हमको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने की मेथडोलॉजी है। क्या मेथडोलॉजी है? डिजिटल सिग्नेचर, प्राइवेट की, पब्लिक की। अब मान लो आगे आने वाले समय में लोगों को ये लगा, गवर्नमेंट को लगा कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया जा सकता हो, तो हम लोग डिजिटल सिग्नेचर की जगह वो टेक्नोलॉजी यूज करने लग जाएंगे, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहा जाए। ठीक है, तो वी हैव टू ऑथेंटिकेट आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड वी यूज द सिस्टम ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अभी प्रेजेंट की। अच्छा, आप देखो प्राइवेट की, पब्लिक की, आई थिंक आप पढ़ लेंगे। सिक्योर सिस्टम मार्क करो। देखिए, कोई सिस्टम सिक्योर सिस्टम कब कहा जाता है? इट मींस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर दैट आर रीजनेबली सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज। कह रहे हैं किसी भी सिस्टम को हम सिक्योर सिस्टम तब कहेंगे जब वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योर हो और उसका मिसयूज ना हो सके। सेकेंड, प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन। जैसे अभी हमने आपको बताया की पेयर का सिस्टम, तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने क्रिएट किया डॉक्यूमेंट, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, मान लो हमने यूज करी एक पब्लिक की और पब्लिक की यूज करके हमने डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर दिया। अब हम जिसको उसकी प्राइवेट की देंगे, ठीक है, वो ही उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने उस प्राइवेट की को यूज करके मेरा डॉक्यूमेंट डिक्रिप्ट करने की कोशिश करी और वो डिक्रिप्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये होता है कि इस डॉक्यूमेंट के साथ कहीं ना कहीं टैम्परिंग की गई है। टैम्परिंग समझते हो, बीच में इसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, ये वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है जो सेंडर ने भेजा था। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको समझते हैं कैसे टैम्परिंग हो सकती है। मान लीजिए आपने अपना रिटर्न फाइल किया, आपकी कोई खास इनकम नहीं थी, ठीक है, आपने अपना रिटर्न फाइल करना था गवर्नमेंट को, तो आपने इलेक्ट्रॉनिकली अपना रिटर्न फाइल कर दिया, जीरो इनकम दिखाई और जीरो टैक्स था। ठीक है, बीच में हम थे आपके दुश्मन, हमने आपके सिस्टम को हैक किया और आपने जो अपना रिटर्न फाइल किया उसको गवर्नमेंट तक पहुंचने के पहले हमने उसको रीरूट करके अपने पास ले लिया, आपकी इनकम हमने उसमें 1 करोड़ डाल दी। ठीक है, बाकी आप समझ गए हमने क्या किया, हमने आपकी इनकम उसमें 1 करोड़ डाल दी और उसके बाद उसको चुपचाप गवर्नमेंट को रीरूट कर दिया। अब हुआ क्या, आपने जीरो इनकम का रिटर्न भरा था, लेकिन सरकार के पास आपका जो रिटर्न पहुंचा उसमें आपने अपनी इनकम डिक्लेयर करी 1 करोड़ की। समझ जाओगे क्या होगा, और आई होप ये भी समझ गए होंगे कि हमने आपको दुश्मन क्यों कहा अपना, है ना, समझ आया। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई डायरेक्टर्स को डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, रिटर्न फाइल करने हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे ने उन डॉक्यूमेंट्स को हैक किया, हैक करने के बाद उसके डेटा चेंज करे, पर्टिकुलर्स चेंज करे और वापस भेज दिया। ऐसे तो फिर जो सेंडर था उसकी ऑथेंटिसिटी में सवाल उठ गया। ऐसा ना हो इसलिए डिजिटल सिग्नेचर इतना सिक्योर सिस्टम रखा जाता है। अब होगा क्या, उस डॉक्यूमेंट पे अगर मान लीजिए हमने अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज किया, ठीक है, कोई हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फाइल किया कंपनीज एक्ट के अंडर और उसमें हमने अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया, फिर हमने जिस रिसीवर को भेजा उसको हमने अपनी प्राइवेट की भेजी कि तुम इसे डिक्रिप्ट कर लेना, अगर उसने उसको डिक्रिप्ट किया और वो डॉक्यूमेंट डिक्रिप्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट इज नॉट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विच वॉज बीइंग सेंड, मतलब इसमें कहीं ना कहीं टैम्परिंग हो चुकी है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट वैलिड माना नहीं जाएगा। इससे पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट्स में बीच में कोई टैम्परिंग हुई है कि नहीं हुई है। दैट इज वाई इस सिस्टम को सिक्योर सिस्टम कहा जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए इसको इतना टेक्निकल बनाया गया है। वरना आप खुद सोच के देखो, इस तरह से तो कोई भी ट्रांजैक्शन हैक करके हम उसको डेटा को चेंज कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल सिग्नेचर इज अ वेरी सिक्योर्ड मेथडोलॉजी, और जब तक इतनी ही सिक्योर्ड कोई और मेथडोलॉजी नहीं आती तब तक हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए इसी मेथडोलॉजी को यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है रिलायबिलिटी होनी चाहिए। हमारा सिस्टम सिक्योर सिस्टम तब कहा जाएगा व्हेन इट प्रोवाइड्स अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। थर्ड, आर रीजनेबली सूटेड टू परफॉर्म द इंटेंडेड फंक्शन। जिस पर्पस के लिए वो सिस्टम बनाया गया है उस पर्पस के लिए वो यूज हो एंड
अधेयर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर, उसने सारे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर ये चारों पॉइंट्स हैं तो हमारा वो सिस्टम क्या माना जाएगा, सिक्योर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज वेरीफाई। वेरीफाई इन रिलेशन टू डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स टू डिटरमाइन वेदर द इनिशियल रिकॉर्ड वॉज अफिक्स्ड विद द डिजिटल सिग्नेचर बाय द यूज ऑफ प्राइवेट की करस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की ऑफ द सब्सक्राइबर। मतलब वो इनिशियल डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर लगाया गया था कि नहीं लगाया गया था, एंड द इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन्ड इंटैक्ट और हैज बीन ऑल्टर्ड सिंस सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वॉज सो फिक्स्ड विद डिजिटल सिग्नेचर। ये लाइन सेकेंड लाइन आई समझ में? कह रहे वेरीफाई करने का मतलब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था कि नहीं था, और ऐसा तो नहीं है कि उसको बीच में कहीं ऑल्टर किया गया हो, टैम्परिंग जो अभी मैंने आपको बताया। दोनों पॉइंट्स पढ़िए। कह रहे इनिशियल, पहले वाले में लिखा था इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वॉज अफिक्स्ड विद डिजिटल सिग्नेचर, उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगाया गया था कि नहीं लगाया गया था, ये मतलब होता है वेरीफाई का। एंड इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन्ड इंटैक्ट, रिटेन्ड इंटैक्ट मतलब वो एज इट इज है कि नहीं, और बीच में उसमें कोई भी टैम्परिंग नहीं हुई है, ये मतलब होता है वेरीफाई करना। यही मैंने आपको बताया, अगर मान लो आपने जिस की को यूज करके डिक्रिप्ट कर रहे हो, अगर उससे डिक्रिप्ट हो गया इसका मतलब वेरीफाइड है, और अगर वो डिक्रिप्ट नहीं हुआ इसका मतलब वो वेरीफाइड नहीं है और डॉक्यूमेंट के साथ टैम्परिंग की गई। आ गया समझ में? ठीक है, फाइन, चलो, शैल वी स्टॉप? अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर वी आर गोइंग टू डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।